बेटा बीमार हो गया, अरे यार मेरे जमाने में वैद्य जी थे, अब तो चल जा डॉक्टर के पास ही। तो हमें ऐसे वैद्यों को भी चाहिए जो सच बताए कि हमने दिया क्या है और अपना ज्ञान सिखाए भी, चाहे किसी को भी सिखाए, बेटे को सिखाए, भतीजे को। बहुत सारी दुनिया जानती है सांप काटता है, घर उतारने का, बीस उतारने का होता है, लेकिन कोई सिखाने को तैयार नहीं, कोई सीखने को तैयार नहीं। सीक्रेट जो कहते हैं हर आदमी, आयुर्वेद का पतन का मुख्य कारण जो है ना, रोहतक हरियाणा, या जो मेरा एक दोस्त है आयुर्वेद कंपनी में सेल्स मैनेजर है, एरिया मैनेजर, वो कहता है अगर आयुर्वेद अगर पतन है तो सिर्फ एक ही कारण, जिस वैद्य के पास जो नुस्खा मिल जाता है ना, वो अपनी नीति छुआड़े रख के बैठ जाता है, आगे नहीं देता इसको, आगे वो देता ही नहीं। नहीं तो एक जमाना था जब, आज भी कई लोगों के सुनोगे कि अरे यार मेरे हम अपने जमाने में किसी को लकवा मारा था, वहाँ गए थे, उन्होंने दिया हुआ ना दो खुराक में बंदा चल पड़ा, सही हो गया, ट्रेनिंग देने लगा, क्या हो गया जी बता तो देते, कौन से पेड़ के पत्ते, कोई नहीं बताता, लुप्त हो गई नुस्खा नहीं बताते, लुप्त हो गई, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और विद्या के बारे में सुना जी, जो पानी में डूब के मरा करता ना, मेरे नाना बताते थे, उनका एक मित्र था, पानी में डूबे हुए मृत्यु हो जाते, डॉक्टर डेथ बता जिंदा कर देते थे एक रात में, लेकिन वो था एक दो घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए, उनकी कुछ विद्या थी, एक्सरसाइज थी, सांस दोबारे से चलने लग जाती थी। आज इस विद्या किसी को पता नहीं होगा, सर्च करो गूगल पे तो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया ना, बात तो ये है, बताने वाले नहीं रहे ना भैया। उनका मित्र था, मैं भी मिला था, बकायदा गांव भी गांव आया था पूरा, अभी नाम तो पता नहीं इस गांव में, लेकिन उन्होंने जिंदा किया था उस गांव का एक शख्स, जो कि उस टाइम पे मर जोड़ वगैरह था उसमें डूब गया था वो, और वो तो वहाँ ले जा रहे थे जलाने के लिए, वहाँ से रोकता पीटता नहीं, मैं तो जिंदा कराऊंगा, गांव वालों ने सोचे तो भाग गया भाई के उसमें, हाँ। लायर इन दोनों आने जिंदा भी कराया था वो। परंपराओं के ज्ञान में मुझे आज भी अपने गांव तो कुछ देर के लिए होया होगा ना, एक घंटे पर वो होता है कि कुछ टाइम होता है, समय होता है उसका, ये तो मुझे पता है, नहीं वो जिंदा हो गया, बिल्कुल जिंदा हो गया, जैसे वो डूब गया उसका टाइम होता है कितने टाइम तक उसको वो ट्रीटमेंट मिल जाएगा, फिर वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो ये कह रही है ऐसी पद्धति, अगर कोई डूब के मरता है पानी में कहा जाता है तो उतने टाइम के अंदर अगर वो उसको मिल जाती है हवा तो सांसें चलने लग जाती हैं। परंपराएं कहती है कि जो सांप काट देता है ना उसको केले की थुम्बी पे बांध के नदी में बहा देते हैं, मेरे हमारे गांव में यही, अगर कोई सांप काट दिया और मर गया तो फिर भी उसको बॉडी को दाह संस्कार लगा के उस पर बांध के दहा देते हैं। वो क्यों दहा देते कि जाते हुए अगर किसी को नजर आया, अरे यार अच्छा ये सांप काटा हुआ है मेरे को तो मालूम है, लाया पकड़ा उसका बीस उतारा, मतलब चिकित्सक का धर्म होता है कि अगर आपको जिस चीज़ का ज्ञान है उसके लिए जी जान लगा देता है, तो पहले नदी में ही डाल देते थे और नदी के किनारे ही सारे आश्रम वगैरह बने होते थे, ऋषि मुनियों के जो होते थे तो उसको ठीक करते थे क्या, हाँ जी हाँ जी ठीक कर देते थे। उसके तो कई लॉजिक हैं जी, पानी का और कोई साधन नहीं होया करता, नदियों के सारे शहर बस रियायत होया करती, वो भी कारण थे नदी के, बाकी को तो जला रहे हैं, लेकिन सांप के काटे हुए को मृत्यु होने के बाद केले के थुम्बी पे डाल के बांध के उसको, उसमें तो संभावनाएं रहती हैं जिंदा होने की, किसी जैसे हमने पटना में है, मैं पटना गया तो हमने वहाँ डाला तो पता चला जाते जाते फतुहा दूसरी पहुंचा, वहाँ पे पता चला जी वहाँ के जो साधु बाबा या कोई भी हो गाँव का वो जान गया नहाने, अरे सांप काटा हुआ मुझे तो आलू है, या मुझे नहीं मालूम है मेरे गांव में मालूम है, अरे आप फलना फलना आ जा जरा इसको देख करके देख, वो कोड वर्ड था उसको बांध दिया तो सांप ने काट रखा है, हां ठीक है। और आजकल एलोपैथी वाले तो मानेंगे नहीं इन बातों के, लेकिन ये सच है बिल्कुल, हाँ हमारी जो पुरानी विद्या थी एलोपैथी ना भी मानती नहीं, एलोपैथी ना भी नहीं मानती कि ना भी हिलती है, नहीं मानती भाई साहब ये ना भी, हाँ मानती नहीं हमने तो इतने सारे रिसर्च किए सबके, हमें तो आज तक बॉडी में धरणी नहीं दिखी ये वर्डिंग बोलते हैं, कोई नस फड़फड़ा हुआ है, ये वर्डिंग बोलते हैं कि हमें तो आज तक जिनको होती है ना जब पता चल गया कि लूज मोशन रुकते नहीं है, दस्त लग जाते हैं या कब्ज इतनी हो जाती है कि उनको पेट साफ नहीं होता, जब सेट करते हैं तो ये कैसे हो गए, तो ये तरीके है हमारे बुजुर्ग करते थे पहले, एक मिनट लगता है ना भी ठीक करने में, हमारे जो गांव में या शहरों में जो बुजुर्ग है ना वो दो मिनट में ठीक कर देते हैं। पिछले दो साल पहले क्या हुआ भैया, हमारे समाज में जो भ्रमित करने वाले लोग है ना वो आज भी बहुत ज्यादा है, किसी औरत को बच्चा नहीं होता वो कोई पुजारी बताता है कि पीपल की पूजा करो बच्चा हो जाएगा, हैक तो उसका कुछ और है हमें भी पता है, लेकिन उसको बताया जाता है भ्रमित किया जाता है, जब तक वो भ्रमित करने वाले लोग रहेंगे ना हमारे समाज में तब तक समाज पहले जैसा हो ही नहीं सकता, सही सबसे बड़ी दिक्कत ये है।
बिल्कुल मतलब ऐसे संयोग होते हैं। मैं एक अपनी लाइफ का पर्सनल संयोग बताऊं, ई भाई बताऊं थोड़ी देर पहले का, मैंने उस कमरे का ताला खोलना था, मेरे को नहीं पता था कौन सी चाबी थी इस गुस्से में, मैंने यूं कर एक चाबी निकाली और उसी दूसरी ताले में लग गई। संयोग होया, ये कोई जादू नहीं था इसमें, कोई जादू नहीं। तो इस संयोग याद थी एक चौथी नंबर, मेरे को पता ही नहीं, मैं कभी ताले नहीं खोलता, और बहुत बार होता है, दो बार हो लिया जैसा उस कमरे का खोल लिया मैंने। बहुत बार हम क्या करते हैं, नोट गिनने हैं, एक गिड्डी है, दो हिस्से करने हैं, अंदाजे से किया, ऐसे कर दी, 50-50 हो जाएंगे दोनों साइड, बहुत बार होता है। ऐसे संयोग हमारी जिंदगी में बहुत होते हैं, लेकिन जो भ्रमित करने वाले लोग हैं वो उन संयोगों को अपना चमत्कार दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। एक और संयोग बताता हूँ मैं अपनी लाइफ का। एक रिश्तेदारी में मेरी में एक महिला की दिमाग की नस फटी, उसका बेटा बेस हॉस्पिटल वो नेवी में था, नेवी में उसको वहाँ दिल्ली ले गए, वो बिरधाने की बात है, ये है 10 साल पहले की बात। तो वहाँ 10-12-15 दिन उसका ट्रीटमेंट चला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो सकती, इसको घर ले जाओ, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह की है। वो घर ले आए, हम जिस टाइम उससे घर मिलने गए, वो खाट पर बांध रखी थी रस्सियों से, मतलब ये क्या कर रखा है। उन्होंने बताया कि हाथ पैर मारने शुरू कर दे हैं, मतलब चोट खा ले है, तो उसके कपड़े लपेट लपेट का हाथा कर पाए आ गए भाई यहाँ का बांध रखी। थोड़ी थोड़ी देर में चारों साइड 2-3 जने बैठे हैं, उसने खोल कर उसके पैर ना पकड़ लें, मूवमेंट करवा दें उसकी, फिर बांध दें। तो ऐसा 3-4 दिन तक चला, उसके बाद हुआ धीरे धीरे अपने आप थोड़ी नॉर्मल सी होने लगी अपने आप। दवाई उसकी जो थी जो बता रखी थी डॉक्टर ने थोड़ी बहुत, वो नाक के थ्रू दे रहे थे, आपको यकीन नहीं होगा वो और आज बिल्कुल फिट है, बिल्कुल स्वस्थ। तो अगर उस दौरान उसका की तो झाड़ा लगवा लिया होता तो मैं और आप मारे जैसे पागल आदमी उस झाड़ा लानिए के पीछे पीछे फिर भगवान मान लेते उसको। तो ये होता है, लेकिन हम समझते ही नहीं। अब कोई शुगर का झाड़ा ला रहा, कोई कैंसर का झाड़ा ला रहा है, झाड़ा लगवानी है, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, काले कंबल वाला बाबा सोशल मीडिया भी आग रहा है, राजस्थानी अच्छा पान गेर का कंबल ने नुकर का नरबस की तो पकड़ कर कुकर, उसका सिर्फ इतना इफेक्ट होता है कि वहाँ पॉजिटिविटी होती है माइंड में, वो पॉजिटिविटी 10-15% लोगों पे असर कर जाए काम कर जाए। और बताऊं एक और कमाल की बात है, एक शाना आदमी से मेरे जैसा लगा लो से आप जैसा लगा लो, गुज्जा पाड़ा कर था एक्चुअल है ये, वो क्या करता अपने बेटे को साथ में बिठा कर रखता और रजिस्टर में एंट्री करता, भाई साहब भाई पूजा पड़वाने भाई बच्चा बताओ क्या होगा, साथ में वो अपने औरत को भी लेकर जाते, हाथ उछला कर अपने कर कांख बंद और बता देता लड़का होगा। लड़के को अपने को यूं कह रखा था जो मैं बताऊं उसका उल्टा लिखना है, उसने लड़का बता दिया, उसने रजिस्टर में लड़की लिखी, वो इसमें टेक्निकल बात तो थी नहीं पर दिमाग की बात थी। अब इनका लड़का हो गया तो ये खुश मिठाई लेके आ रहे हैं, अगर जो होगी लड़की तो ये आए गुस्से में आए तो वो भाई यहाँ तो हजारों आदमी आते हैं रोज के, तेरे को क्या बताया था, मेरे को नहीं बता, रजिस्टर में देख ले, रजिस्टर में पहले लड़की लिख रखी है। बताओ अगला क्या करेगा। आजकल सर क्या होने यही है, ये बिल्कुल पॉइंट की बात है। आजकल क्या हो रहा है, सर्वाइकल का धागा शहर में गाँव में लोग डाल रहे हैं। सबसे जरूरी है जो भ्रमित करने वाले लोग ना उनका इलाज करो, उनका जब तक इलाज नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता कहीं भी, किसी भी किसी भी उसका वाणा लेकर आए होंगे पूरा भगवा दा और भी दसा ने लेकर आए रिश्तेदार ने और नु याद आ रहा है क्यों कि टिकट वाले हां ऐसे ही ना बहुत लोग बर्मिल में लगे हुए हैं, जैसे अरे का देखा हुए जा दसाऊंगे देख एक आदमी जिससे सर्वाइकल ठीक हो जाए, चक्कर ठीक हो जाए, एक आदमी का 10 लोगों को ठीक हो गया, 90% का लड़का होगा भाई आज यहां तो होएगा, जिसका उल्टा हो गया उसका रजिस्टर में सही पा गया। साइंटिफिक रीजन होता है उस चीज का, ये थोड़ी ना एक बोल दिया तो नहीं, तुक्के बहुत लगते हैं ऐसी बात नहीं, दो का लग लिया मेरे हाथ से आज न दवाई भी काम कर दिया कुछ है। लेकिन ये है इतनी सारी बातें होने के बाद भी आज भी 80% जो पॉपुलेशन है वो इन सब चीजों पे विश्वास करती है और यही चीज करती है, 80% डर में करती है और ये भ्रमित करने वाले लोग डरा के रखते हैं, बिल्कुल डर का काम व्यापार चलाते हैं वो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। पिछले 2 साल पहले अभी जो हुआ वो क्या हुआ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार को डरा के कईयों के तो अपने खुद के खून से पैदा किए वाले को मतलब हटा दूर हट ले जा भाई बॉडी ऐसी ले जा, मतलब ये व्यापारियों ने किया है
जबकि इसी साल भी बुखार हुआ, इस साल भी जुकाम हुआ, इस साल भी हुआ सर, एक इस बार कोई कोरोना की जांच नहीं कर रहा है। शहर में कम से कम 10 शमशान घाट होंगे और वहाँ कोई शमशान घाट ऐसा मुश्किल से होगा जिस दिन एक डेड बॉडी नहीं जाती है। अगर 10 बंद करके एक में भेजोगे तो लाइन नहीं लगेगी वहाँ, वही कह रहा हूँ। ऐसे लाइन लगवा कर ऐसा डर बैठा दिया कि समझ में नहीं आया लोगों की। मैं हम रहे सर जीते अभी जाते तीन चार दिन पहले देखो बीमारी तो थी, कुछ तो थी, ऐसी तो नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी बना दी। अखबार के अंदर आया कोई गुरु ने कह दिया अपने चले मेरी गर्दन उतार दे, मतलब वो उसके उसमें था तांत्रिक होगा कोई बाबा बाबा। अब अखबार में चल रही है खबर, गिरफ्तार हो रखा वो गुरु वो चेला, तो बोला मेरी गुर्दन उतार दे और मैं जिंदा होकर के हरिद्वार मिलूंगा तुझे। हाँ मर दिया, मर गया वो, गिरफ्तार हो गया। चल मुझे छोड़ दो, हरिद्वार मिलेगा, जिंदा हो गया, ये मेरे गुरु जी मुझे बोल रखा है। मतलब वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, मतलब इतना अंधा मतलब हो गया, अंधविश्वास, ये तो अंधविश्वास ही है। बोला मैं जिंदा हो गया वहाँ मिलूंगा, फिर अल्लाह का दूसरा धर्म लेगा, अभी हो जाए कोई ऐसी चीज। कोविड के टाइम पे हम जीते जाते उदाहरण है, हम कितनों के बीच तो हम थे, पूरा शेल्टर होम हम लोग चलाते थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ था, 400-400 लोगों के बीच में रहते थे हम लोग, खाना खिलाना सब कुछ करना। अच्छा नहीं, उन सब चीजों का गोविंद भैया है, ये है और भी अन्य कर्णधार है, जैसे कि हमारे धीरज भाई कोरोना टाइम में घर घर जाते थे, सोसाइटी में जाते थे, उनकी हेल्प करते थे, ठीक करते थे, जैसे काढ़ा बना बना के उनको देते थे, ठीक होते थे। पर क्या है कि प्रशासन ने इतनी रोक लगा रखी थी कि घर से आप निकल नहीं सकते थे, ये है दिक्कत। जाऊँगा अभी कथा कि आज ये जो मेरी बीमारी है ये मेरी बचपन से ही है, लेकिन मेरे जो अम्मी अबू थे उन लोगों को क्या था, जैसे ही कुछ भी होता था तो मुझे ना बचपन में दौरे टाइप के पड़ जाते थे, तो वो लोग ले जाते थे झड़वाने के लिए, कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी के पास। अब तक चलता था, मैं 10th क्लास तक आया तब तक यही होता था, मेरी तबीयत खराब हुई ना डॉक्टर के पास ले गए ना कुछ उठा के कहीं भी ले गए। जब मैं समझदार हुआ तो मुझे यहाँ ले गए, क्या नाम है, दरौली जो नदी घाट पार करके कोई पूरा घाट आता है वहाँ पर, तो वहाँ कोई देखते हैं, तो उन्होंने मेरे को अंदर बिठा दिया और मेरे को मिठाई खिला के भेज दिया अंदर, बोले कि अब ये नाचेगा, तो मैं नहीं नाचा। फिर वो आया, उसने मेरे को पीठ और टी शर्ट वगैरह उतारा और मुझे थाली से मारने लगा। 2-3 बार तो मैंने बर्दाश्त किया, जब नहीं बर्दाश्त हुआ मैंने उठ के उसके धर दिए 2-3, तो उसमें मेरे घर वाले भी गुस्सा हो गए, तूने ये क्यों कर दिया, लेकिन जिसको मारा मैंने वो उसके बाद कभी नहीं दिखा वहाँ पे। वहाँ से आया, अब मैं जब जैसे पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ तो मुझे अब जाके पता चला है 4 साल पहले कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को हेडेक बहुत तेज़ होता है और जब वो एक्सेस लेवल पे हो जाता है तो मेरे को वो सारी एक्टिविटीज़ जो मेरी बॉडी करती है वो करती है। पढ़ने के बाद पता चला, अभी भी अगर मैं आज बोल दूँ ना सर का दर्द, अभी फ़ोन करके बोल दूँ अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को कि मेरे को सर का दर्द हो रहा है, वो सीधा इसी यही सोच लेते हैं कि फिर से मतलब मेरे लड़के को फिर वही हो गया। समाज में मेरी बेटी को होता है ये जेनेटिक आ गया, मेरी बेटी को भी अभी क्या होता है कि 3 साल की भी नहीं थी वो, 1 साल की थी, तो उसको बुखार हुआ और वो एकदम हाथ पैर उसका ऐसे अकड़ गया, बहुत तेज अकड़ गया, मैं भी डर गया पहली बार में, तो मैं डॉक्टर के पास गया। अब मेरे मम्मी पापा के दिमाग में और मेरे पूरे खानदान में यही हो गया कि इस्लाम को था तो उसकी बेटी को भी वही हो गया जेनेटिक, लेकिन वो साइंटिफिक क्या था कि डॉक्टर ने बोला था कि इसको टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसका बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, जैसे उसको बुखार होगा उसका सारा कपड़ा खोल दो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो दिमाग पे चढ़ जाता है उसके ऊपर, उस वजह से उसका आँख पलट जाता है। इस बार तो झाग भी फेंक दिया था उसने, 4 अटैक आ चुके हैं उसको, लेकिन अब हम क्या करते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में उसका वो टच करते हैं। मैं वही तो आपसे पूछ रहा था कि आपसे मैं मिलूंगा और उसके लिए भी बात करूंगा। दवाई नहीं देता हूं उसको मैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ दवाइयाँ दे रखी उन्होंने, लिख के दे रखी ये खिलाना खिलाना, मैं नहीं खिलाता उनको। बताओ अभी के अभी बोलो भैया, भाई का तो करा भैया, मैं भी अभी भरूंगा, मैं भी भरूंगा। कितनी उम्र है भैया बच्ची? 5.5 साल की हो गई अभी। ऐसा ना होम्योपैथ में एक मेडिसिन, होम्योपैथ में मेडिसिन आती है बेलाडोना। अच्छा बेलाडोना, वो 30 पावर की ले आइए, उसकी एक बूंद सुबह और एक बूंद शाम, या 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आप उसको दो कंटिन्यूटी में 15 दिन। मैं आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप करूँगा, उस पर डाल, हाँ, वो कर रहे, उस पे डाल, आप कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि मेरे घर वाले भी गुस्सा हुए कि ये खिलाओ वो खिलाओ, बट मुझे साइंटिफिक रीज़न पता था कि वो किस वजह से हो रहा है, बस उसका बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे ना उसको कुछ नहीं होगा। और हमने पहली बार क्या किया कि छोटा बच्चा था, सर्दियों का टाइम था, उसको थोड़ा बहुत गर्म हुआ, हमने दवाई वाई खिलाया और उसको कंबल में लपेट के उसको छोड़ दिया, वो और गर्म हो गई। वो तो अचानक से मेरा हाथ मेरी बेटी पे गया तो उसका कोई मूवमेंट नहीं था और आँख में पलट गया था उसका, नहीं तो वो दिन ख़त्म ही हो जाती है। फिर हम उसको लेके ज़बरदस्ती गए, अब 2-3 बार हो गया तो अब यूज्ड टू हो गए उस चीज़ के लिए,
तो हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई उसको ऐसे टच करके देखता रहता है। डॉक्टर ने बता दिया था मेरे को, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो उन्होंने बताया, एनके मित्तल के पास गया था, तो वो मेरे अच्छे रिलेशन है उनसे, तो ज़्यादातर दवाई नहीं लेता, उनको पता है कि मैं दवाई नहीं लूँगा, तो उन्होंने ही बताया था कि बेटा इसका कोई इलाज नहीं है, 7 से 8 साल जब तक आपकी बेटी समझदार नहीं होती तब तक आप इसके बॉडी को सिर्फ टच करके देखते रहिए, इसका टेम्परेचर मत बढ़ने दो, उसको कुछ नहीं होगा। और वही चीज़ है, ठीक है, हो गया पूरे, हो गए 300, हाँ हो जाएंगे मेरे हिसाब से, आज काफ़ी रास्ता, एक बार मैं भी भरवा दूँ, हाँ 300 अभी अभी और भी आ रहे हैं।